हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पर्श क्लासेस। फ्रेंड्स, हम माइक्रो टीचिंग की स्किल्स कर रहे थे, जिनमें इंट्रोडक्शन स्किल और एक्सप्लेनेशन स्किल हम कर चुके हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ब्लैक बोर्ड स्किल यानी श्यामपट कौशल के बारे में। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं ब्लैक बोर्ड स्किल्स के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लैक बोर्ड होता क्या है और इसकी हमारी टीचिंग में क्या इम्पोर्टेंस होती है। फ्रेंड, ब्लैक बोर्ड टीचिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हम कह सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड के बिना टीचिंग पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई टीचर चाहते हैं कि उनकी जो टीचिंग है वो सक्सेसफुल हो, तो ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये बच्चों के लिए विजुअल एड्स का काम करता है। बच्चे सुनने के साथ साथ इस पर जो लिखा होता है वो देख भी सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे जो साइंटिस्ट हुए हैं उनके नाम कितने डिफिकल्ट होते हैं, तो वे जो नाम होते हैं जब तक टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर लिख नहीं देते, स्टूडेंट्स उनका नाम समझ नहीं पाते हैं। इसी तरह हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं। और मैथ्स की बात करें तो हम सोच नहीं सकते मैथ्स को पढ़ाने की अगर हमारे पास ब्लैक बोर्ड ना हो। बिना बोर्ड के, बिना ब्लैक बोर्ड के यूज़ किए हम मैथ्स को पढ़ा ही नहीं सकते। इसी तरह सभी सब्जेक्ट्स की हम कुछ ना कुछ ऐसी मेन पॉइंट्स होते हैं जिनके लिए हमें ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब बात आती है ब्लैक बोर्ड स्किल की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सभी जो स्किल्स होती हैं, जितनी भी स्किल मैंने कराई है या जो आगे हैं, हमें टीचर ट्रेनिंग के दौरान बीएड में कराई जाती हैं, ये सिखाई जाती हैं और इनकी प्रॉपर पूरी प्रैक्टिस कराई जाती है हमें। जो ब्लैक बोर्ड स्किल है, इसमें हम सीखते हैं कि ब्लैक बोर्ड का यूज़ कैसे करते हैं, कब करते हैं और कहाँ कहाँ हमें इसका यूज़ करना चाहिए। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव्स की। उद्देश्य क्या है ब्लैक बोर्ड स्किल के? पहला है टू गिव ए कंप्लीट एंड प्रॉपर पिक्चर ऑफ द कंटेंट। मतलब आपने पूरे एक पीरियड में जो कुछ पढ़ाया है उसकी पूरी एक पिक्चर स्टूडेंट के सामने आ जाती है। क्योंकि टीचिंग में हम बीच बीच में ब्लैक बोर्ड यूज़ करते रहते हैं। ब्लैक बोर्ड पर हम हर वो पॉइंट लिखते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट होता है या वो वर्ड जो डिफ़िकल्ट होता है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो जब हम पूरी टीचिंग कर लेते हैं, उसके बाद हमने पूरे पीरियड में जो जो पढ़ाया है वो सभी उसका एक मेन कंटेंट हमारे ब्लैक बोर्ड पर आ जाता है। नेक्स्ट बात आती है टू ऐड वैरायटी टू लेसन्स एंड ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ द लर्नर्स टू द की कॉन्सेप्ट्स। मतलब आपके लेसन या लेक्चर में एक वैरायटी ऐड हो जाती है। इससे स्टूडेंट्स क्या है, सुन तो रहे हैं जो आप बोल रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो जो आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं वो देख भी पा रहे हैं, जिस कारण को क्या है, ध्यान भी केंद्रित रहता है। नेक्स्ट आता है फॉर क्लियरिटी इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब आपके कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट और अच्छे से समझ पाएंगे। लेक्चर्स में बीच बीच में जो भी आपको सुनकर नहीं समझ पाते वो देखकर समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, सभी ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल प्रैक्टिकल्स होते हैं। आप कोई भी स्किल ले लो, सभी स्किल्स के ऑब्जेक्टिव्स, उनकी इम्पोर्टेंस सब प्रैक्टिकली होती है। जो चीज़ें हमें दिख रही होती है सामने, इनमें ऐसा कुछ नहीं है जो हम रटे या याद करें। बस हमें चाहिए कि हम हर स्किल्स को अच्छी तरह से समझ लें कि उस स्किल में हमें करना क्या है और कैसे करना है। आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, बुक से या क्वेश्चन बैंक से, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल टिपिकली आप बुक की या क्वेश्चन बैंक की लैंग्वेज को रटे, क्योंकि काफ़ी बीएड में ऐसे वर्ड्स हैं जो आप, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम ही सुने होंगे, बहुत ही टिपिकल हिंदी में होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल वही पर्टिकुलर लैंग्वेज, वही पर्टिकुलर वर्ड्स को याद करें और उनको ही रटें। तो आप सिर्फ अपनी लैंग्वेज में यूज़ करें और अपनी लैंग्वेज में याद करने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ ब्लैक बोर्ड की। ब्लैक बोर्ड अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट है रोलर बोर्ड। इस बोर्ड को हम कैलेंडर की तरह रोल कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं और इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। दूसरा है पोर्टेबल ब्लैक बोर्ड। ये ऐसा ब्लैक बोर्ड होता है जिसको हम फोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी ही आसानी से ले जा सकते हैं, इसीलिए इसको पोर्टल ब्लैक बोर्ड कहते हैं। थर्ड आता है ब्लैक बोर्ड इंक्लिंड ऑन वॉल। मतलब दीवार पर जो जड़े हुए ब्लैक बोर्ड होते हैं, जो नॉर्मली सभी स्कूल्स या कॉलेजेस में लगे होते हैं, जो दीवार पर फिक्स होते हैं, जिनको हम इधर से उधर एडजस्ट नहीं कर सकते, जहाँ पे लग चुका है वहीं पर फिक्स रहेगा।
नेक्स्ट आता है ब्लैक बोर्ड इंक्लिनो स्टैंड। कुछ ब्लैक बोर्ड ऐसे होते हैं जो स्टैंड्स होता है उन पर लगे होते हैं, जिन्हें हम अपनी सुविधा के अनुसार अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ब्लैक बोर्ड का जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें कौन कौन सी टीचिंग एड्स यूज़ करनी चाहिए। चौक, डस्टर, पॉइंटर। पॉइंटर को हम जो बोर्ड पर लिखे होते हैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स, मैथ्स में जब हम ज्योमेट्री का कंसेप्ट मेनली चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसमें हमें ज्योमेट्री बॉक्स का यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री बॉक्स हम सिर्फ नोटबुक में यूज़ करते हैं, हम बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे भी यूज़ कर सकते हैं। और स्टेंसिल ऑफ मैप, हमें नक्शों का स्टेंसिल भी रखना चाहिए। अब बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड स्किल के कौन कौन से घटक हैं जो हमें बातें याद रखनी होती हैं। नंबर वन है एडिक्वेट स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स। जो हम बोर्ड पर लेटर्स वर्ड्स लिख रहे हैं उनके बीच स्पेस बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम माप तो सकते नहीं लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके बीच की जो स्पेस है वो इक्वल हो और प्रॉपर हो, ना ज़्यादा हो बहुत और ना ही बिल्कुल कम हो, तो प्रॉपर हो और इक्वल भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है एडिक्वेट साइज़ फॉर द लेटर्स। सेम बात लेटर्स के लिए भी है, उनका जो साइज़ है साइज़ भी एडिक्वेट होना चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंट साइजेस फॉर कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। जो हम कैपिटल लेटर्स लिख रहे हैं और स्मॉल लेटर्स लिख रहे हैं उनके साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए ताकि अलग से ही पता लग सके कि ये कैपिटल लेटर है और ये स्मॉल लेटर्स हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटनेस ऑफ लाइन्स। जो हम लाइन्स लिख रहे हैं वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हमें लिखने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है एडिक्वेट स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स। लाइन्स लिख रहे हैं उनके बीच की जो स्पेस है वो भी एडिक्वेट होनी चाहिए। अवॉइडिंग ओवर राइटिंग, हमें ओवर राइटिंग से बचना चाहिए, ओवर राइटिंग हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फोकसिंग द रिलेवेंट मैटर, बोर्ड पर लिखते टाइम, बोर्ड का यूज़ करते टाइम हमें फोकस सिर्फ रिलेवेंट मैटर पर ही करना चाहिए, एक्स्ट्रा मैटर हमें उस पर नहीं लिखना चाहिए। इट इज़ ऑल अननेसेसरी मैटर। हम बीच में समझाने के लिए कुछ अननेसेसरी ड्राइंग कर देते हैं कुछ, या कुछ और अननेसेसरी हम दिखा देते हैं बोर्ड पर लिख कर, तो जो जब हम टीचिंग उसका काम हो जाता है तो हमें उसको रफ़ कर देना चाहिए, उसको क्लीन कर देना चाहिए जो अननेसेसरी डाटा हमने बोर्ड पर लिखा है, या कोई ड्रॉ कोई भी पिक्चर अननेसेसरीली हमने ड्रॉ कर दी कुछ पर्टिकुलर पॉइंट को समझाने के लिए। नेक्स्ट आता है यूज़ कलर्ड चॉक फॉर डायग्राम्स। अगर हम डायग्राम्स बना रहे हैं जैसे बायोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट्स के डायग्राम बना रहे हैं तो हमें कलर्ड चॉक को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है क्लीन कंप्लीट बोर्ड आफ्टर टीचिंग। जब हम अपने टीचिंग को कर लेते हैं पूरा और क्लास छोड़ने से पहले हमें अपना पूरा ब्लैक बोर्ड बिल्कुल साफ करके और जब क्लास छोड़नी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।